22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में और तभी से बड़ी संख्या में भक्तों का अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना शुरू हो गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए थे। भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए थे और समय समय पर ये इंतजाम चेंज भी किए जा रहे हैं। बता दें कि मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन का समय भी लगातार समय समय पर चेंज होता रहा है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से दर्शन का समय अयोध्या में चेंज कर दिया गया है। बता दें कि शारदीय नवरात्रि को देखते हुए भक्तों को असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए खास बदलाव किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट और ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने बजे मंगला आरती शुरू होगी, इसके साथ ही श्रृंगार कब होगा, बाल भोग कब होगा और कपाट को लेकर भी पूरा टाइम टेबल बदल दिया गया है। इसकी जानकारी भी दे दी गई है और नया टाइम टेबल 3 अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि राम मंदिर के नए टाइम टेबल के मुताबिक राम मंदिर में मंगला आरती का सुबह 4:30 बजे से लेके 4:40 तक का समय रखा गया है। इसके बाद 4:40 से 6:30 तक श्रृंगार आदि के लिए पट बंद कर दिए जाएंगे। फिर 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 9 बजे से 9:05 तक पट बंद किए जाएंगे। इस दौरान बाल भोग होगा और 9:45 से लेकर 11:45 तक राम भक्त दर्शन कर सकेंगे। 11:45 से 12 बजे तक राज भोग के लिए पट बंद हो जाएंगे। तो ये नया टाइम राम मंदिर के लिए जारी कर दिया गया है। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने सोशल साइट एक्स पर एक ट्वीट किया है और पूरी जानकारी शेयर की है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं।